अभी राउंड खेला जाएगा और टॉस उड़ाने के लिए हमारे मोहम्मद शीर भाई जा रहे हैं, उनके हाथों से अभी टॉस उड़ाया जा रहा है यहाँ पे। अब टॉस उड़ाने के लिए तैयार है, देखेंगे दो कैप्टन वहाँ पे मौजूद है और टॉस उड़ाने के लिए हमारे मोहम्मद शीर भाई तैयार है, देखेंगे। देखेंगे टाइम भाईजान, पौने 6 बजे मुनियाज। ओ भाई भाई टाइम भी बहुत कम है, 6:45, 6:05 की आ जाने भाई। पौने 6 बजे यहाँ पर टाइम देख के आपने चलना है यहाँ पे। हाँ टॉस तो उड़ाए, पहले टॉस उड़ाई जा रही, यहाँ पे देखेंगे किसके लक्ष्य में जाते हैं टॉस विन। टॉस विन कौन है? बोलो तो नहीं, शायद टॉस जीते, फैसला लेना बाकी है यहाँ पे, डिसीजन लेना चाहिए कमेटी ने कि टाइम का देख के अपने को चलना है यहाँ पर। 6:45 अभी, बोलो तो कि कैप्टन से मैं गुजारिश करता, अपना डिसीजन क्या ले रहे, बैटिंग या फील्डिंग? दानिश खमसे और वसीम खमसे को भी गुड्डू के जानिब से आपको बहुत थैंक यू और शुक्रिया का मौका दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको आके अपना मैच का अच्छी मेहनत करके, थोड़ी सी हल्की सी मेहनत करते तो शायद जीत भी हो सकती थी, लेकिन थोड़ी नाकामियों की वजह से, बॉलिंग थोड़ी हार्ड होने की वजह से फाइटर के लक्ष्य में ये मैच जा चुकी है। वलौता नियाज ओवर 2 के 3, नियाज ओवर 2 के 2, वो 2 या 3 ओवर, 2 ओवर का 3 ओवर ची, 2 ओवर का मैच खेला जाएगा अभी फाइटर के बीच में और वलौता टीम के सामने। जल्दी बैट्समैन उतार दे अपने, टाइम बहुत कम है क्योंकि सेकंड बैटिंग के लिए और बहुत दिक्कत हो सकती है, अंधेरा हो सकता है यहाँ पे। लाइव चालू है लेकिन यहाँ पे फोकस का इंतजाम नहीं यहाँ पे, इंशाल्लाह अगली बार फोकस भी लगाए जाएंगे मांझली मोहल्ले में। जल्दी अपनी फील्डिंग सजा के ले भाई, नियाज भाई जल्दी, टाइम बहुत कम है, बाद में तुमको ही दिक्कत हो सकती है, अंधेरा हो सकता है तो बॉल दिखने में बहुत दिक्कत हो सकती है, नो टाइम वेस्ट प्लीज। थोड़ा ठंडा पीला ना, ओनली ड्रिंक ओनली कोको, नो ड्रिंक ना, रियली श्योर? अपने फील्डिंग सजा के ले ली अपने फाइटर ने, अभी देखेंगे बैट्समैन का इंतजाम करके, टाइम बहुत कम है, सेकंड राउंड के लिए बहुत मुसीबत हो सकती है, अंधेरा हो सकता है तो, और 2 ओवर का मैच खेला जा रहा है यहाँ पे। फाइटर की फील्डिंग सजा लो जल्दी जल्दी, बहुत टाइम है, बाद में तुमको दिक्कत हो सकती है दूसरे राउंड में, मैं आओ क्या? एम्पायर के लिए जल्दी आओ, लियाकत मुकादम से मैं गुजारिश करता हूँ, एम्पायर करने के लिए आ जाओ। जल्दी अपनी फील्डिंग सजा लो और मैं एम्पायर से गुजारिश करता हूँ तुरंत जाए यहाँ पे, टाइम बहुत कम है, 6 बजने के लिए आए पौने से। बॉल नया, नया बॉल किसने? फील्डिंग सजा के लिए अपने यहाँ पे, टाइम बहुत कम है, बाद में तुमको दिक्कत हो सकती है। एक एक बहुत टाइम कम है यहाँ पे, बात खिलाओ यार। अच्छा यहाँ पे मुकाबला जारी है फाइटर मांझली के जानिब से, यहाँ पे अभी क्वार्टर फाइनल का मैच खेलाया जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे किसके लक्ष्य में जा रहा है ये मैच, अभी देखेंगे, बेहतरीन मुकाबला जारी है वलौता वर्सेस फाइटर के बीच, जबरदस्त मुकाबला जारी है यहाँ पे,
बिलाल से मैं गुजारिश करता हूँ अपनी बॉलिंग में फास्ट रखें क्योंकि टाइम कम बहुत है अपने पास। फील्डिंग की तो रिचेंजिंग कर रहे नियाज मुकादम, हम देखेंगे वहाँ पे शुएब को तब्दीली कर रहे और अमजद की जगह। थोड़ा मुआवजा देख के अपना प्लेयर को चेंजिंग कर रहे, अभी टाइम बहुत कम है। देखेंगे बॉलिंग मार्क पे है बिला, 10-15 रन कर रहा हूँ, विकेटों को पाक किया, ऑफ की दिशा में जाती थी और ये कट के धूप में जाती हुई गेंद और ये डिक्लेयर के रूप में एक रन, हल्की सी कट लगती हुई विकेटों के दस्तानों में जाती हुई गेंद और एक रन हो चुका है। बोलो तो टीम का पहला स्वागत और वेलकम पहले रन से। देखेंगे अगली गेंद डालने के लिए तैयार बिलाल और अच्छी शॉट और क्लीन बॉल कर दिया यहाँ पे, जबरदस्त हैम्पर का इशारा आउट का यहाँ पे। बहुत टाइम कम है, बाद में तुम बधाई देना एक दूसरे को, बहुत टाइम कम है, बाद में तुमको ही दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर अच्छी स्विंग की थी लेकिन सीधा स्टंप पे लगती हुई गेंद ये और आउट के रूप में। हैम्परिंग कर रहे हमारे मजबूत और लियाकत भाईजान, बेहतरीन मैं बोलता हूँ बिलाल, अच्छे स्विंग बॉलर माने जाते हैं यहाँ पर फाइटर की जानिब से, और पहला ही हासिल कर दिया विकेट अपने लक्ष्य में। उनकी जगह आ रहे नए बैट्समैन सरफराज भाई, बहुत हिटर और एक्सपीरियंस वाले बैट्समैन माने जाते हैं सरफराज भाई। अब देखेंगे बिलाल के बॉलिंग मार्क पर सरफराज भाई और अच्छी शॉट वहाँ पे लेग की दिशा में जाती है, वहाँ पे शुएब मौजूद, अच्छी फील्डिंग, वहाँ पे एक रन चुरा लिया और रन आउट हो सकते और ये नाकाम होके दूसरा रन भी शायद और दूसरा रन भी मुकम्मल। एक रन की जरूरत थी वहाँ पे, थोड़ी हल्की सी फील्डिंग बिलाल की सुस्त पना की वजह से दूसरा रन भी चुरा लिया और बोले तो कि टीम का स्कोर हो चुका है 3 रन। देखेंगे अगली गेंद डालने के लिए तैयार बिलाल वापसी से सरफराज भाई के लिए, देखेंगे विकेटों को पाक किया और अच्छी शॉट, वो भी लेग की दिशा में, एक रन मुकम्मल हो चुका है वहाँ पे। अच्छी फील्डिंग वापसी से भी शुएब की, अच्छी फील्डिंग है, अच्छे फील्डर माने जाते हैं शुएब। बोले तो टीम का स्कोर हो चुका है 4 रन, पहली ओवर है जारी, 2-2 ओवर का मैच चालू है यहाँ पर। वापसी से बिलाल तैयार है, गेंद डालने के लिए तैयार बिलाल, उनकी जगह है राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर सऊद, और अच्छी शॉट वहां पे सीमा रेखा के बाद जा सकती है और ये सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, जबरदस्त शॉट लगा दी वहां पे और स्कोर को आगे बढ़ाते हुए बोले तो टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन। बहुत महंगा साबित पड़ा ये गेंद बिलाल को 6 रनों के लक्ष्य में। आखिरी गेंद डालना है शायद बाकी, देखेंगे बिलाल वापसी से और ऑफ की दिशा में जाती हुई, एक रन चुरा लिया वहाँ पे, लूज फील्डिंग वहाँ पे, थोड़ी सी एक रन चुरा लिया और दूसरा रन भी ले सकते हैं और वहाँ पे नियाज गिर के 2 रन मुकम्मल हो चुके हैं वहाँ पर। और बोले तो टीम का स्कोर हो चुका है 12 रन, शायद ओवर समाप्त, एक ओवर पे 12 रन और आखिरी ओवर डालना है बाकी। अब देखेंगे किसके लक्ष्य में जाता है ये मैच, बल्लेबाजी की या फील्डरों के बाद। भाई टाइम कम है सरफराज भाई, प्लीज आपको ये दिक्कत हो सकती है बाद में। उनके जगह अच्छे बैट्समैन है, पुराने और अच्छे एक्सपीरियंस वाले सरफराज भाई। बॉलिंग मार्क पे है नदीम मूसा, 20-25 रनों का रनअप है उनका बॉलिंग मार्क पर। देखेंगे नदीम है तैयार, देखेंगे हैम्पर को क्रॉस किया, विकेटों को पाक किया और अच्छी शॉट लगाना चाहते थे लेकिन विकेटों के दस्तानों में जाती है डॉट के रूप में। अच्छे बॉलर है, स्विंग करते कभी कभी और पिच भी उनकी गेंद जाती है लेकिन अच्छी गेंद डाल रहे अभी नदीम, मेहनत थोड़ी करना ही पड़ेगा अगर आगे जाना है तो। दूसरी ओवर का दूसरा गेंद डालने के लिए तैयार नदीम, 10-15 रनों का रनअप। देखेंगे हैम्पर को क्रॉस किया, विकेटों को पाक किया और अच्छी शॉट लगाना चाहते थे वहाँ पे, एक रन चुरा लिया सरफराज भाई ने, दूसरा रन लेने के लिए तैयार थे लेकिन नाकाम करके। बोले तो टीम का स्कोर है अभी 13 रन, दूसरी ओवर है जारी, 2 गेंदें हो चुकी है। दूसरी ओवर के 4 गेंदें बाकी डालना है, अभी देखेंगे 4 गेंदों में कितने बल्लेबाजी अपने रन बना रहे हैं। वापसी से है हमारे तैयार सऊद भाई, देखेंगे क्या करते हैं। बोले तो टीम से विकेटों को पाक किया और अच्छी शॉट लगाना चाहते थे, स्ट्रेट शॉट है यहाँ पे और अच्छी फील्डिंग वहाँ पे अमजद की और अच्छा थ्रो भी किए थे उन्होंने और रन आउट हो सकता है शायद, एम्पायर का इशारा आउट का, जबरदस्त थ्रो और अच्छी फील्डिंग की वहाँ पे अमजद ने।
और ये वापसी से तैयार हमारे सऊद भाई, उनके जगह अभी नए आ रहे हैं रिजवान, रिजवान भाई माने जाते हैं उनके नाम से, अब देखेंगे क्या कहते हैं रिजवान भाई, शायद उनको लक्ष्य हो सकता हो। तो बोलो तो टीम का स्कोर है 14 रन, 3 गेंदे हो चुके हैं, आखिरी ओवर है डालना बाकी, देखेंगे नदीम है वापसी से तैयार सरफराज भाई के लिए, देखेंगे बोलो तो टीम के कितने स्कोर हो सकते हैं। अच्छी शॉट लगाना चाहते थे, बार बार नाकाम होकर सीधा विकेटों के दस्ताने में गेंद जाती हुई वहाँ पर और डॉट के रूप में, 2-2 गो, 2 गेंदे डालना बाकी है, आखिरी ओवर है बाकी, देखेंगे 14 पे उतरी हुई गाड़ी, 14 रन हो चुके यहाँ पे बोलो तो टीम का। अब देखेंगे नदीम तैयार बॉलिंग मार्क पर, विकेटों को पार किया, अच्छी शॉट बार बार, 3 गेंदे डॉट के रूप में गवा दिया और अच्छा अपना स्कोर भी गला दिया यहाँ पे, उनको समझ में नहीं आई है गेंद सीधा विकेटों के दस्तानों में और शायद आखिरी गेंद डालना बाकी है यहाँ पर, दूसरे ओवर का आखिरी गेंद डालना बाकी है, देखेंगे आखिरी गेंद पर नदीम क्या करते हैं और सरफराज भाई अपने बल्ले से कितना छक्का या चौका लगा सकते हैं, देखेंगे 3 गेंदे उन्होंने अपने लक्ष्य में गला दिए और अच्छा शॉट, ये भी शायद कैच हो सकता है और शायद ये नदीम कैच ले सकते हैं और ये कैच ले लिया नदीम ने, 15 विन दिए हैं फाइटर को। अब देखेंगे 12 गेंदों में 15 रन का लक्ष्य दिया है, मैं जल्दी निया से गुजारिश करता हूँ अपने बैट्समैन जल्दी रेडी रखे, क्वार्टर फाइनल का मैच जारी है यहाँ पर, बोलो तो टीम से मैं गुजारिश करता हूँ अपनी फील्डिंग सजा के लिए जल्दी, बहुत टाइम बहुत कम है और अच्छी मेहनत करो अपने बॉलिंग मार्क पर भी, और मैं गुजारिश करता हूँ फाइटर टीम से भी, बड़ी बात नहीं है 12 गेंदों में 15 रनों का लक्ष्य दिया तुम्हारे साथ, जल्दी तैयार रहे बैट्समैन तैयार है शायद बिलाल भाई और नदीम भाई, बहुत टाइम कम है अपने पास, 5:55 हो चुके यहाँ पे, लगभग थोड़ी वक्त में आजान भी हो जाएंगी, बिलाल तुरंत लो तुरंत, टाइम नो वेस्ट, अपनी फील्डिंग सजा के लिए मैं गुजारिश करता हूँ बोलो तो टीम से अपनी फील्डिंग सजा के लो जल्दी, बॉलिंग मार्क पे शायद आ रहे हैं अभी रिजवान भाई, रिजवान भाई अपने बॉलिंग मार्क पे क्या करते हैं देखेंगे, रिजवान भाई स्ट्रोक पे है शायद बिलाल, लॉन्ग स्ट्रोक पे है नदीम मूसा, क्वार्टर फाइनल का ये मैच चालू है यहाँ पर, हल्के हल्के अंधेरा हो रहा है यहाँ पर, बॉलिंग मार्क पे है रिजवान, 10-15 रनों का रनअप है उनका बॉलिंग मार्क पे, देखेंगे रिजवान है तैयार बिलाल के लिए, बिलाल क्या करते, एम्पर को क्रॉस किया, विकेट को पार किया, वो अच्छी शॉट लगाना चाहते थे लेग की दिशा में, 1 रन चुरा लिया वहाँ पे, अच्छी फील्डिंग वहाँ पे और 1 रन मुकम्मल, बिलाल ने नाकाम करके भी नदीम को रुका दिया वहाँ पे, पहले ही गेंद पे पहला ही रन हो चुका है अपने टीम का, खाता खोल चुके हैं फाइटर ने, अब देखेंगे है नदीम स्ट्रोक पे है नदीम, नॉन स्ट्रोक पे है बिलाल, बॉलिंग मार्क पे है रिजवान, देखेंगे वापसी से तैयार, अच्छी शॉट लगाना चाहते थे लेकिन सीधा विकेटों के दस्तानों में से गेंद छुट्टी हुई और डिक्लेयर के रूप में 1 रन, फाइटर का स्कोर हो चुका है 2 रन, 2 गेंदे 2 रन, अच्छी स्विंग करके अपना डॉट के रूप में गेंद निकाली थी, थोड़ी नाकामियों की वजह से विकेटों के हाथ से गेंद छुट्टी और डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिला फाइटर की टीम को, देखेंगे वापसी से तैयार, अच्छी शॉट लगाना चाहते थे ऑफ की दिशा में, 1 रन चुरा लिया नदीम ने, दूसरा रन लेना चाहते थे और दूसरा रन भी मुकम्मल वहाँ पे, थोड़ी लूज फील्डिंग होने की वजह से वहाँ पे है इमाद, इमाद ने थोड़ी हल्की लूज फील्डिंग की वजह से, फाइटर की टीम का स्कोर हो चुका है 4 रन, 15 रनों का लक्ष्य है, 12 गेंदों 15 रन का लक्ष्य है दिया है बोलो तो के टीम ने, अब देखेंगे वापसी से तैयार रिजवान बॉलिंग मार्क पर बिलाल के नदीम के लिए, अब नदीम क्या करते हैं अपने बल्ले से, देखेंगे रिजवान के गेंद पर तो अच्छी शॉट लगाना चाहते थे शायद कैच हो सकता है लेकिन ये कैच नहीं है, 1 रन चुरा लिया और दूसरा रन भी मुकम्मल हो सकता है, और ये दूसरा रन भी मुकम्मल शायद रन आउट हो सकता है, एम्पायर का इशारा आउट का और नदीम पवलन वापस, 1 रन की जरूरत थी लेकिन थोड़ी
जल्दबाजी की वजह से अपना विकेट गला दिए फाइटर ने, उनकी जगह आए अभी शुएब। शुएब अपने टीम के लिए क्या करते, अपने बल्ले से क्या दिखाते, करिश्मा देखेंगे। अभी अच्छी बॉलिंग कर रहे रिजवान भाई, बोले तो कि टीम से चार गेंदे हो चुके हैं यहाँ पर और 5 रन हो चुके हैं फाइटर के टीम का। देखेंगे वापसी से तैयार, 10-15 रनों का रन अप, एम्पो को क्रॉस किया, विकेटों को पार किया और अच्छी शॉट लगाना चाहते थे, सीधा शॉट जा चुका है, 1 रन मुकम्मल हो चुका है वहाँ पे, 1 रन मुकम्मल हो चुका, रनआउट हो सकता है और रनआउट भी नहीं, और 2 रन पूरा मुकम्मल हो चुका और 3रा रन लेने के लिए तैयार और 3रा रन भी मुकम्मल। बहुत बेहतरीन रनिंग की थी वहाँ पे, शुएब ने मना कर दिया 4था भी रन लेने के लिए, लेकिन रनआउट हो सकते थे लेकिन बच गए बाल बाल। आठ रन हो चुके हैं फाइटर के, आखिरी गेंद डालना शायद बाकी है, पहली ओवर है जारू। हाँ प्यारू, देखेंगे अभी रिजवान वापसी से तैयार बिलाल के लिए, फोहलन वापस, अच्छी शॉट लगाना चाहते थे, एम्पर का इशारा खराब, वाइड गेंद का यहाँ पर, 9 रन हो चुके हैं यहाँ पर और आखिरी गेंद डालना भी बाकी है पहली ओवर का। थोड़े महंगे साबित हुए रिजवान, वो अच्छा शॉट लगाना चाहते शायद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए जीत लेना और ये विन और अपने लक्ष्य में ये मैच जीत चुके हैं फाइटर और क्वार्टर फाइनल का ये राउंड उनके लक्ष्य में गया है। माशाल्लाह मैं उनको बधाई और वेलकम करता हूँ, आगे ऐसे ही मेहनत करके फाइनल तक पहुँचे, और सभी गाँव वालों से भी थैंक यू शुक्रिया कमेटी की जानिब से। और चलो अपने अपने गांव जाओ, फरमान और अमजद जल्द से जल्द इधर आ जाइए, अपना मोबाइल लेके जाइए, अरे मैं लेके जाऊंगा। बहुत अच्छा मुकाबला यहाँ पे किए, मैं बोलो तो कि टीम को भी बधाई देता हूँ।